बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू हैरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2। 8.2 में हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? The expression in which numbers or variables, numbers or variables और बहुत ही या दोनों are connected connected by operational sign is called the algebraic expression। के algebraic expression जो है वो ऐसा expression है जिसमें numbers और variables या दोनों जो हैं वो algebraic operational signs की मदद से जो हैं वो connected हों। For example, 2x प्लस वाई माइनस 5। इसमें वेरिएबल भी हैं, नंबर भी हैं, ये प्लस और माइनस के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में। अलजेब्रिक टर्म्स होगी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स। क्या टर्म्स क्या होंगी? द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्ट द parts of an algebraic expression के operational sign plus और minus की मदद से उसको separate और connect किया जाए algebraic expression को, तो उन numbers को हम बोलेंगे algebraic terms। For example, हमारे पास है x, y और 2z। हम इनको plus माइनस की मदद से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास उसकी टर्म्स बन जाती हैं। इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास है 2। यहाँ पे इसके साथ भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट टर्म। कॉफिशेंट क्या होता है? कॉफिशेंट फॉर एग्जाम्पल, फोर एक्स द होल नंबर सेट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। कि ऐसा होल नंबर जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो उस होल नंबर को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। लाइक और अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास लाइक टर्म्स, यानी कि ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल जो है वो बिल्कुल सेम होगा, सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज। लाइक हमारे पास है a प्लस 2b प्लस 3b माइनस c। ये तीनों वेरिएबल्स जो हमारे पास डिफरेंट हैं तो हम इनको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अगर हमारे पास सेम हो लाइक a प्लस 2a प्लस 3a, तीनों जो हैं वो सेम होंगे तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट ईच
ग्रेट एक्सप्रेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है x प्लस वाई, इसको हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है x प्लस एंड y। अगर आ जाए हमारे पास p डिवाइडेड बाय q, इसको हम p डिवाइडेड बाय q भी लिख सकते हैं या इसको हम p बाय q भी जो है वो लिख सकेंगे। नेक्स्ट है द सम ऑफ पी एंड क्यू डिवाइडेड बाय और सम ऑफ पी बाय क्यू, पी एंड क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये जो है वो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हमारे पास वैल्यू है 6p2। इसमें सबसे पहले हमने इसकी बेस बतानी है, फिर हमने उसका कोफिशिएंट बताना है, और लास्ट में हम उसका बताएंगे एक्सपोनेंट। बेस, बेस उस वो नंबर जिस पर उसकी पार दी गई होगी उसको हम बोलेंगे बेस। द होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट एंड द पार ऑफ द बेस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a डॉट a, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसकी पावर है 1, a की पावर है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसको हम बोलेंगे a रेज पावर द 3। अगर हमारे पास हो p इनको भी हम प्लस कर देंगे तो इसमें p की भी पावर 3 है और q की पावर भी 3 है। अगर हम इसको होल में लिखें पी क्यू ब्रैकेट क्लोज और होल की पावर जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे पी क्यूब और क्यू क्यूब। टर्म्स को सेपरेट करना है, हमारे पास है एल माइनस 2m प्लस 4n, ये इसमें 3 टर्म्स हैं एल m और 4, हम इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के लिए हम इसकी एक्सप्रेशन रिमूव कर देंगे, अगर माइनस होगा तो उसके साथ माइनस ही आएगा, 4 प्लस को जो है वो हम इंडिकेट नहीं करेंगे। अब उसने हमें टर्म्स दे दी हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने उसका लिखना है x माइनस वाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा हम उसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे। अब अगर हम प्लस का साइन लगाएं x प्लस माइनस वाई, x माइनस वाई, ये तो फिर आज के लेक्चर में करने के साथ भी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।